विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं, और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए, और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा, और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टिकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है, तो ये तुष्टिकरण की सोच, तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टिकरण,
भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था, करीब 50-55,000 अमृत सरोवर की कल्पना की थी। लेकिन आज करीब करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ये ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जन तक बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम दुनिया हमें जब पूछती है, 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के, ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है, ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हांफता है, और न ही ये भारत हारता है।